नमस्कार दोस्तों, हमने थोड़े से समास बचे हुए थे, थोड़े से बचे थे, तीन तो हो गए थे, नॉर्मल से बचे थे। अगला समास देखो कौन सा है, बहुव्रीहि। देखो तत्पुरुष है, बहुव्रीहि और अव्ययी बचे हैं, ये इतने ही बचे हैं। बहुव्रीहि समास देखो, नाम से पता लगा, वो ट्रिक हम नाम से ही निकाल रहे हैं सारे, जितने भी निकाले। बहुव्रीहि इसको पकड़ो, बहुव्रीहि नहीं होता वैसे, व्री होता है, इस व्री को पकड़ो। बहु व्री, बहुकार ज्यादा होता है, व्री व्री का अर्थ आप लगाना, ब्रीही ब्रीही यानी बाहरी। बहु ब्रीही ब्रीही का अर्थ होता है बाहरी, यानी जिस समास में उस शब्द को छोड़ के कोई दूसरा बाहरी अर्थ निकले वहां होता है बहु ब्री समास, बहु ब्रीही समास। यानी जैसे पीछे वाले में एक बच्चे ने पूछा था, सर मोटा और ताजा में कौन सा, कोई और समास बताया था, मोटा और ताजा वो हाँ कर्मदारी होता है, वो डिपेंड करता है विग्रह पे, क्योंकि समास हमेशा विग्रह पे डिपेंड करता है। जैसे मोटा और ताजा कर दो तो द्वंद हो जाएगा, जो मोटा है दो, जो ताजा है वो विशेषता हो गई। जैसे किसी ने कहा सर त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास है, बिल्कुल है, आप किसी भी समास को बहुव्रीहि के अंदर ला सकते हो, किसी भी समास को जो आपको जचे उसकी, बस उसका अर्थ बदलना होगा। तो सर मान लो त्रिनेत्र के अंदर वो सीधा पूछ ले कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, वो ऑप्शन द्विगु भी दे दे, बहुव्रीहि भी दे दे, ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा ही बहुव्रीहि को प्राथमिकता दी जाती है। अब जैसे विग्रह कैसे करना है, यानी आप इस तरीके से विग्रह करो कि आप किसी बाहरी अर्थ पे चले जाओ, यानी उस शब्द को छोड़ के आप किसी तीसरी जगह चले जाओ, बाहरी जगह चले जाओ, वही बहुव्रीहि है। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का आप उसके अंदर विग्रह करो तो ऐसे होगा तीन नेत्रों का समूह है, क्योंकि उसमें आपको शब्द लगाना होगा समूह है, यहां कुछ नहीं है। आप इस तरीके से इसको विग्रह करो कि आप ऑटोमेटिक तीसरे शब्द पे चले जाओ, बाहरी शब्द पे चले जाओ। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, वह आगे लिख दो शिव, यानी आप शिव के ऊपर चले गए, तीसरी जगह चले गए, यानी किसी बाहरी अर्थ पे। दस मुख का समूह है, यहां तो द्विगु होगा क्योंकि आप तीसरी जगह नहीं गए, बाहरी जगह पे नहीं गए। दस मुख है जिसके, वह रावण। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, वह लिख के आगे आपको जाना होगा कृष्ण के ऊपर, यानी तीसरी जगह, तब समास होगा बहुव्रीहि। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला है जो, वह कृष्ण। चक्र, ये मान लो देवताओं के सारे पर्यायवाची बहुव्रीहि समास में आएंगे। प्रायवाची शब्द अलग से बताने की कोशिश करूंगा मैं, समझाने की, प्रायवाची कोई ज्यादा टप भी नहीं है। चक्रधर, चक्र को धारण कर रखा है जिसने, वह करके आपको आगे लिखना होगा कृष्ण या विष्णु जो भी। गोपियों का नाथ है जो, गोपीनाथ, वह कृष्ण। मधुसूदन, मधु नामक व्यक्ति का सूदन करने वाला है, मारने वाला कौन हो गया, कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके, विष्णु। चक्रपाणी, चक्र है पानी में, जिसे पानी बोलते हैं हाथ को, वो हो गया कृष्ण, कृष्ण कर दो चाहे विष्णु के भी है। रमेश, रमा का ईस है जो, चतुर्भुज चार भुजाएं ब्रह्मा की, अच्छा रमेश चार भुजाएं ब्रह्मा की, एक अच्छा चार मुख है ब्रह्मा के, दो चार भुजाएं उनके। रमेश, रमा का ईस है जो, रमा बोलते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी का ईस कौन हो गया, विष्णु। गंगाधर, गंगा को धारण कर रखा है जिसने, कौन हो गया, शिव। यानी तीसरे अर्थ पे जाना है और कुछ नहीं है, सबके ये होगा। सूर्य का पुत्र है जो करण, सेलजा सेल से जन्म हुआ है जिसका, पार्वती सेल बोलते हैं चट्टानों से। नीले हैं कट जिसके, वह शिव। भूतेश, भूतों का ईश है जो, भगवान शिव को भूतेश कहा जाता है, शमशान भूमि के अंदर शिव, सिर्फ और सिर्फ शिव का ही मंदिर होता है और किसी का नहीं होता, भूतों के ईश है वो, मानवों के भी है और भूतों के, भूतेश। धुर्जटी, धुएं जैसी है जिसकी जटाएं, वह शिव। उमेश, उमा का ईश है जो, शिव। महादेव, महान है जो देव। अब महादेव में कर्मदारी भी है लेकिन विग्रह कैसे करते हो ये डिपेंड करता है। अब देखो तत्पुरुष में दो शब्द है, एक तत् है दूसरा पुरुष है, एक नंबर तत् है दो नंबर पुरुष है। अपना समाज कौन सा है, पुरुष प्रधान समाज, यानी दो नंबर शब्द पकड़ो, यानी इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते, इतना अनुभव नहीं होता कि इस तरीके से हम निकाल दें। अब देखो तत्पुरुष यानी पहला शब्द, दूसरा शब्द, दूसरा शब्द प्रधान होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास के अंदर। सीधे याद रखो पुरुषों की अनेक विभक्तियां हैं,
पुरुषों की अनेक विभक्तियां हैं, बस। यानी इस समास में कारक के चिन्ह आते हैं, यानी कारक जो आठ प्रकार के कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में, पेपे पर, पहले वाला और लास्ट वाला दो छोड़ के और छह विभक्तियां आएगी, पहला और लास्ट छोड़ के। अब देखो इनका हमेशा ही ध्यान रखें, विग्रह ही पूछा जाता है लगभग, ऐसे कभी नहीं पूछा अभी तक तो कि भी सभा भवन में कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदाय है कि अधिकरण, सीधा ही पूछते हैं सभा भवन में कौन सा समास है। मन और मन को हरने वाला, यानी यहां को चिन्ह लगेगा कर्म को, गगन चूमी गगन को चूमने वाला, वन गमन को गमन, दिल तोड़ दिल को तोड़ने वाला, कनकटा कान को कटा। अब कनकटा को आप यहां ले आओ सही किसी बाहरी अर्थ में ले जाके, गुण युक्त गुण से युक्त, रोग ग्रस्त रोग से ग्रस्त, मन माना मन से माना, संप्रदाय संप्रदान के लिए आता है के लिए, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, हवन सामग्री हवन के लिए सामग्री, सभा भवन सभा के लिए। ध्यान रहे अपादान, अपादान हमेशा अलग होने के लिए आता है, आप ऐसे पढ़ो हमेशा ही, क्योंकि से ही इसमें आता है से ही इसमें आता है, अपादान से अलग होना हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए, अपादान से अलग होना, कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से अलग होना, फिक्स पर्सन है इसके, हमेशा पूछे जाते हैं कारक में, पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, अलग होने के अर्थ में ये अपादान होता है, हिमालय से गंगा निकलती है वहां से अलग हो गई। अब जैसे देश निकाला देश से निकाला, यानी देश सुखी हो गया अलग हो गया, ऋण मुक्त ऋण से अलग हो गया ऋण से मुक्त, गुण रहित गुण से अलग हो गया गुण से रहित, वीर विहीन वीर से विहीन। यानी अब देखो संबंध, संबंध का अर्थ होता है का के की, संबंध के लिए आता है, जैसे विद्यालय विद्या के लिए आले, राष्ट्रपिता राष्ट्र का पिता, अच्छा विद्यालय विद्या का आले विद्या का आले, अधिकरण में पेपर यानी श्रेष्ठता के लिए, कवि वर कवियों में वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आप बीती आप पर बीती, रण वीर रण में वीर, जल मग्न जल में मग्न। अब देखते हैं आपको थोड़ी सी दो चीज देता हूं, आप बता देना कौन सा कारक है इसे, शुद्ध कौन सा है ये बता दी, आप कमेंट करके बता दे। जैसे ए लिखा है मैंने, राम को लड़की हुई है, दो नंबर है राम के लड़की हुई है, लड़की हुई है ठीक है, दूसरा ये एक और दो इनमें बताना कौन सा शुद्ध है, विभक्तियों से संबंधित है, देखते हैं कितना नॉलेज है। दूसरा है सीता को लड़की हुई है, लड़की हुई है, फिर दूसरा है सीता के लड़की हुई है, ऊपर वाले दो में कौन सा शुद्ध है और नीचे वाले में कौन सा शुद्ध है, देखते हैं कमेंट करके बताएं पता चले। अब आपका बचा है ओनली अव्यय भाव समास, अव्यय से पहले उपसर्ग और अव्यय दोनों साथ में बताएं। देखो मैं ट्रिकली बता रहा हूं, वैसे नहीं है, कभी नॉर्मल आपके समझ में आ जाए नॉर्मल समास के कर दो, डिटेल से नहीं बता रहा अभी, नॉर्मल है इतने से, बाकी आप उदाहरण तो किताबों में है ही, कितना समास समझ में आए वो कमेंट करके बताओगे तो ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।